नमस्कार, दोपहर का एक बज रिको है, आपके साथ मैं हूं घनश्याम। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। हर खबर को विस्तार से जानेंगे, उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। गोडसे पर प्रज्ञा ठाकुर और अनंत हेगड़े के बयानों से अमित शाह ने किया इनारा, कहा दोनों के बयान निजी, अनुशासन समिति मांगेगी दोनों नेताओं से 10 दिन में रिपोर्ट। विचार के अंतिम दिन मिर्जापुर में प्रियंका गांधी का रोड शो, पार्टी उम्मीदवार ललितेश त्रिपाठी के लिए मांगे वोट, 19 मई को आखिरी चरण की होनी है वोटिंग। पंजाब में लोकसभा चुनाव से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू आमने सामने, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा अगर हार गए तो सारी सीटें इस्तीफा दे दूंगा। सिद्धू बोले मेरी पत्नी कभी झूठ नहीं बोलती। कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिन के लिए लगाई रोक, कहा हाई कोर्ट में लगा सकते हैं अग्रिम जमानत की अर्जी, जमानत नहीं मिलने पर गिरफ्तार कर सकती है सीबीआई। और पुलवामा में शहीद जवान संदीप मलिक को अंतिम विदाई, रोहतक के रहने वाले थे संदीप मलिक। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताने वाली मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी प्रज्ञा ठाकुर को मोदी सरकार के मंत्री का समर्थन मिला। केंद्रीय मंत्री अनंत हेगड़े ने प्रज्ञा ठाकुर के बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि नाथूराम गोडसे को लेकर 7 दशक के बाद सार्थक चर्चा हो रही होगी। अनंत हेगड़े ने पहले ट्वीट कर लिखा कि मैं खुश हूं कि करीब 7 दशक के बाद आज की पीढ़ी नए बदलाव के साथ इस मुद्दे पर चर्चा कर रही है। इस चर्चा को सुन आज नाथूराम गोडसे अच्छा महसूस कर रहे होंगे। एक और ट्वीट के जवाब में उन्होंने लिखा कि अब समय है कि आप मुखर हों और माफी मांगने से आगे बढ़ें, अब नहीं तो कब। हालांकि इस पर मचे बवाल के बाद अनंत हेगड़े ने अपने बयान पर यूटर्न ले लिया। उन्होंने कहा कि उनका ट्विटर अकाउंट हैक हो गया था, उन्होंने इन ट्वीट्स के लिए खेद भी जताया। आपको बता दें अनंत हेगड़े पहले भी अपने कई बयानों को लेकर विवादों में रह चुके हैं, उन्होंने ही संविधान बदलने वाला बयान दिया था। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने भी इस पूरे प्रकरण पर ट्वीट किया है। विगत 2 दिनों में श्री अनंत कुमार हेगड़े, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और श्री नलिन कटील के जो बयान आए वो उनके निजी बयान हैं। उन बयानों से भारतीय जनता पार्टी का कोई संबंध नहीं है। तो अमित शाह का कहना है कि जो भी बयान आए हैं वो उनके अपने बयान हैं, इन लोगों ने अपने बयान वापस लिए हैं और माफी भी मांगी है, फिर भी सार्वजनिक जीवन तथा भारतीय जनता पार्टी की गरिमा और विचारधारा के विपरीत इन बयानों को पार्टी ने गंभीरता से लेकर तीनों बयानों को अनुशासन समिति को भेजने का निर्णय किया है। अनुशासन समिति तीनों नेताओं से जवाब मांगकर उसकी एक रिपोर्ट 10 दिन के अंदर पार्टी को दे, इस तरह की सूचना दी गई है। तो प्रज्ञा ठाकुर के इन बयानों को और बीजेपी की सफाई को समझने की कोशिश है। मेरे साथ अरुण कुमार त्रिपाठी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, स्टूडियो में हैं। मणिमाला जी मेरे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप दोनों का ही स्वागत, आप दोनों से इनके रिएक्शन को समझेंगे, प्रतिक्रिया को समझेंगे, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को ये दिखाना और बताना जरूरी है कि प्रज्ञा ठाकुर ने पहले क्या कहा गोडसे को लेकर और फिर जब किरकिरी होने लगी फिर कैसे उन्होंने अपने बयान को बदला। सिलसिलेवार दोनों बयान आप देखिए। मेरी भावना किसी भी प्रकार से किसी को आहत करने की नहीं थी, ना किसी के मन को कष्ट पहुंचाने की थी। अगर किसी के मन को कष्ट पहुंचा है तो मैं क्षमा चाहती हूं। गांधी जी ने जो देश के लिए किया है उसको भुलाया नहीं जा सकता, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूं। लेकिन इस बयान को मीडिया ने तोड़ मरोड़ मरोड़ कर पेश किया है और मैंने अभी टीवी नहीं देखा है, कुछ नहीं, लेकिन मैं पार्टी की एक अनुशासन मानने वाली कार्यकर्ता हूं और इसलिए जो पार्टी की लाइन है वही मेरी लाइन है। अगर कोई जिन लोगों के मन को आहत हुआ है मैं क्षमा मांगती हूं उस बयान के लिए। से देशभक्त थे, हैं और रहेंगे, ऐसा बोलने उनको आतंकवादी कहने वाले लोग स्वयं के गिरेवान में झांक के देखें। अब की चुनाव में ऐसे लोगों को जवाब दे दिया जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से रिएक्ट किया खुद प्रज्ञा ठाकुर ने। अब इन बयानों को समझने की कोशिश करते हैं। सीनियर जर्नलिस्ट अरुण कुमार त्रिपाठी मेरे साथ हैं, मणिमाला जी मेरे साथ हैं। अरुण जी, शुरुआत आप ही से चर्चा की। असल में सर, ये गोडसे की भक्ति के पीछे की असली कहानी क्या है, ये अचानक इतने भक्त क्यों दिखाई देने लगे हैं?
देखिए घनश्याम जी, एक कहावत है कि कई बार लोग जो है वो दही खाने के चक्कर में कपास निगल लेते हैं, तो गांधी को अपनाने की कोशिश में जो गांधी के प्रति तमाम तरह के रिजर्वेशंस हैं वो सामने आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार गांधी को अपनाने की भी कोशिश में लगा हुआ है और गांधी विरोध का जो पूर्वाग्रह है वो छोड़ भी नहीं पा रहा है। तो अगर वो गोडसे को देशभक्त कहती हैं तो जाहिर सी बात है उनकी देशभक्ति का पैमाना ऐसा है जो गांधी के पैमाने के विरुद्ध है। पर गांधी को समझना और गांधी की ऊंचाई का एहसास करना इन लोगों के बस में है ही नहीं। मुझे लगता है कि गांधी अपने अंतिम दिनों में, मुझे वो तीसरी मंजिल फिल्म का वो गाना याद आता है जो मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा था कि दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे, कातिल मेरे आगे है और मैं उसके पीछे पीछे। तो गांधी तो अपने हत्यारे के पीछे दौड़ रहे थे, हत्यारा उनके पीछे नहीं दौड़ रहा था, वो मौत से डरने वाले ही नहीं थे। और जिस ऊंचाई पर इस सभ्यता को ले जा रहे थे, जिस नैतिकता और प्रेम की के आग्रह को लेकर गांधी चल रहे थे, उसको ये लोग समझ ही नहीं सकते, ना गोडसे समझ पाए ना प्रज्ञा ठाकुर समझ पाई। और लेकिन मेरा ये कहना है कि गांधी जिस भावना के साथ विभाजन की जो भौगोलिक जो है रेखा है उसकी बजाय दिलों में जो दीवार थी, दरार थी, वो उसको मिटाना चाहते थे। और इसीलिए वो कलकत्ता के हैदरी मंजिल में उन्होंने 73 घंटे का अनशन किया 1 सितंबर से 4 सितंबर तक, और जलते हुए कलकत्ता को शांत किया। वो नोआखाली में गए, वो दिल्ली में आए, वहाँ यहाँ उन्होंने अनशन किया और जलती हुई दिल्ली को शांत किया। और वह पाकिस्तान जाने वाले थे और उन्होंने कहा था कि भौगोलिक विभाजन में अभी नहीं मिटा सकता, लेकिन हिंदू और मुसलमान के दिलों में जो दरार पड़ गई है उसको मिटाना मैं ज़रूर चाहता हूँ, उसके लिए मैं पाकिस्तान जाऊँगा। तो गांधी जिस ऊँचाई पर काम कर रहे थे उसको समझने की सोच इन लोगों के पास नहीं है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि एक बार बहस हो जानी चाहिए, सिर्फ गांधी की जयंती पर बहस नहीं होनी चाहिए, गांधी की हत्या के भी 71 साल हो रहे हैं उस पर भी बातचीत होनी चाहिए कि कौन सी वो सोच है। गोडसे एक व्यक्ति नहीं था, एक पूरी की पूरी सोच है जो गांधी की हत्या, गांधी के विचारों की हत्या करना चाहती है, वो गांधी का सामना नहीं कर सकती। ठीक है, तो माला मैम, इससे अगर एक कदम आगे बढ़ते हैं तो क्या ये सवाल आज के टाइम पे बहुत प्रासंगिक हो जाता है, प्रोमिनेंट हो जाता है कि असल में ये वो लोग कौन है जो लगातार इस तरह की बात कर रहे हैं, किस राजनीतिक दल से ताल्लुक रखते हैं जो लगातार गोडसे को अवतार बताने की जद्दोजहद में दिखाई देते हैं? एक प्रायोरिटी उन्होंने सेट कर दिया कि गोडसे को एस्टैब्लिश कर देना है। पहली बात तो कि मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि अचानक सब कुछ हो रहा है जी, ये सब होता रहा है और लगातार होता रहा है, हम इसको दरकिनार करते रहे हैं। आपको याद होगा 1992-93 के बीच में एक ड्रामा काफी खेला जा रहा था, मी गोडसे बोलतो है मराठी में, मैं गोडसे बोल रहा हूँ। कई लोगों ने, खासकर कांग्रेसी जनों ने उस पर बैन लगाने की बात कही थी, मैंने भी इस पर काफ़ी लिखा था उन दिनों, हालांकि मैं बैन लगाने के बिल्कुल खिलाफ थी, मैं किसी भी चीज़ पर बैन लगाने के पक्ष में नहीं हूँ। और प्रतिक्रियाएं भी काफ़ी आई थी कि गोडसे को बोलने दो ताकि गांधी भी बोलता रह सके, ऐसी मेरी लाइन थी। हे राम, कमला हासन ने फिल्म बनाई थी, वो गांधी की हत्या पे ही थी। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि गांधी की हत्या के बाद, गांधी की हत्या का मसला समाज में नहीं रहा और गोडसे ने बोलने की कोशिश नहीं की। जो ग्वालियर में जो गोडसे मंदिर है वो कोई आज का बना हुआ थोड़ी ही है, वर्षों से वो बनना शुरू हुआ, आज जाके बना। ये है कि अभी चूँकि ऐसी ताकतें जिनका संबंध कहीं ना कहीं गोडसे से रहा है वो अभी प्रभावी हो रही हैं, तो थोड़ा निडर होकर के थोड़ा और क्या इसको बोलेंगे, बेबाक तरीके से इस बात को कह रहे हैं, क्योंकि इनका समर्थन मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। एक कुछ दिनों पहले तक स्थिति ऐसी थी कि पब्लिकली गोडसे को देशभक्त कहना या गांधी की हत्या को जायज ठहराना थोड़ा असंभव सा लगता था, क्योंकि पब्लिक के बीच में उतना उस समय हिंसा का बोलबाला नहीं था, आज़ादी की लड़ाई का प्रभाव था, गांधी का अपना काफ़ी प्रभाव था। अब गांधी को गए लंबा अरसा गुजर चुका है, हालांकि गांधी का, बुद्ध का प्रभाव
क्राइस्ट का प्रभाव कभी समाज से खत्म नहीं होता। और ये बड़ी बात है, बड़ी और इशारा कर रही है कि गांधी क्या उतने प्रासंगिक आज के समय में रह गए, इस पर भी मैं आपसे विचार जानूंगा, सर से भी जानूंगा। लेकिन अपने दर्शकों को ये भी बताते चलें कि मालेगांव ब्लास्ट की आरोपी और भोपाल से बीजेपी की उम्मीदवार प्रज्ञा ठाकुर के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे को देशभक्त बताने पर अब सियासी संग्राम छिड़ गया है। कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने प्रज्ञा के बयान पर कड़ी नाराजगी जताई है और बीजेपी पर भी हमला बोला है। वहीं बीजेपी ने प्रज्ञा के बयान से किनारा कर लिया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को राष्ट्रभक्त बताने पर भोपाल से बीजेपी की उम्मीदवार प्रज्ञा ठाकुर चौतरफा घिर गई। विपक्ष ने एक सुर में प्रज्ञा ठाकुर और बीजेपी पर करारा प्रहार किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और भोपाल से पार्टी के उम्मीदवार दिग्विजय सिंह ने कहा कि राष्ट्रपिता के हत्यारे गोडसे का महिमा मंडन देशभक्ति नहीं बल्कि राष्ट्रद्रोह है। इस पर बयान दें और माफी मांगे, देश से माफी मांगे। राष्ट्रपिता के खिलाफ इन शब्दों का जो प्रयोग किया गया है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। नाथूराम गोडसे हत्यारा था और उसको महामंडित करना ये देशभक्ति नहीं है, ये राष्ट्रद्रोह है। वही कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि प्रज्ञा का बयान भारत की आत्मा पर हमला है। दिस इज एन इंसल्ट to the Indian way of life, the Gandhian way of life that lives in India's soul. प्रज्ञा के बयान पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को घेरा है। प्रियंका ने ट्विटर पर लिखा कि बापू का हत्यारा देशभक्त, हे राम, अपने उम्मीदवार से आपका दूरी बनाना काफी नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रवादी दिग्गज सामने आकर अपनी सोच को सबके सामने रखने की हिम्मत दिखाएं। आम आदमी पार्टी, बीएसपी और वाम दलों ने भी प्रज्ञा के बयान पर नाराजगी जताई और कार्रवाई की मांग की है। अब ये प्रधानमंत्री जी को तय करना है कि ऐसी महिला जो नाथूराम गोडसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे को देशभक्त बताती है, उसको अपनी पार्टी में रखते हैं या बाहर करते हैं। उसका देशप्रेमिक बोलना ये देशद्रोह है। सही माने इलेक्शन कमीशन को उनकी जो कैंडिडेट था वो कैंसिल कर देना चाहिए था, रिजेक्ट कर देना चाहिए था। बीजेपी के सहयोगी जेडीयू ने भी कहा कि मामले में पीएम मोदी को हस्तक्षेप करना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि वो स्वयं इस पर अपनी चिप्पी तोड़े कि क्या महात्मा गांधी इतने विचारों के खराब थे कि नाथूराम गोडसे देवता हो गए और महात्मा गांधी शैतान हो गए। वहीं प्रज्ञा के बयान पर बुरी तरह घिरी बीजेपी ने उनके बयान से किनारा कर लिया है और इसे प्रज्ञा का निजी बयान बताया। साध्वी प्रज्ञा की इस बयान से पूरी तरह हम असहमत हैं और इस बयान के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए साध्वी प्रज्ञा जी को। मालेगांव ब्लास्ट की आरोपी प्रज्ञा ठाकुर पहले भी विवादित बयान दे चुकी है। उनकी उम्मीदवारी रद्द करने की मांग भी कई बार उठी। अब देखना होगा कि प्रज्ञा के इस बयान पर चुनाव आयोग क्या कदम उठाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। और मेरे साथ एक्सपर्ट पैनल में दो सीनियर जर्नलिस्ट लगातार बने हुए हैं। अरुण जी, क्या ये अचानक से निकला हुआ बयान है या फिर जो सोच है असल में विचारधारा के तौर पर वो सामने आ रही है और यही विचारधारा बयान के तौर पर हम देख रहे हैं, डेलिब्रेटली किया जा रहा है सब कुछ? नहीं देखिए, ऐसा है कि जो भी न्यायमूर्ति कपूर कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसमें आरएसएस स्पष्ट रूप से दोषी नहीं पाया गया, लेकिन जो भी सोच के तहत जो जुड़ाव था और जो जिस तरह के अखंड भारत का सपना नाथूराम गोडसे का था, वो सपना जो है वो निश्चित तौर पे गांधी के जो एक उदार भारत का सपना था उससे टकराता था। और युवानंद मूर्ति ने एक बहुत सुंदर किताब लिखी है, हिंदुत्व और हिंद स्वराज। भारत जो है आज जिस मुकाम पे खड़ा हुआ है उसमें उसको चुनना है कि हम हिंदुत्व के रास्ते पर जाएंगे या गांधी के हिंद स्वराज के रास्ते पर जाएंगे। तो ये जो विचारधाराओं का टकराव है ये लगातार चलता रहा है और गांधी से मतभेद रखने वाले कम्युनिस्ट पार्टी में भी लोग रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में भी लोग रहे हैं, सोशलिस्ट पार्टी में भी लोग रहे हैं और अंग्रेज़ों से तो गांधी लड़ ही रहे थे। लेकिन माउंटबेटन ने कहा कि ये जो थैंक गॉड कि ये गांधी की हत्या का कलंक हमारे माथे पर नहीं लगा,
मुस्लिम समुदाय के किसी व्यक्ति पर नहीं लगा, कम्युनिस्ट पार्टी के किसी व्यक्ति पर नहीं लगा, उस व्यक्ति पर लगा जो एक खास सोच विचारधारा से जुड़ा हुआ था और वो एक अलग तरह का देश बनाना चाहता था। तो ये टकराव तो लगातार चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अभी वो टकराव किन्हीं वजहों से और सतह पे आ गया है, क्योंकि कट्टरता बढ़ी है भारत में, दुनिया में कट्टरता बढ़ी है, धर्म आधारित राष्ट्र की जो बहस है, आख्यान है, वो प्रबल हुआ है। इसलिए कहीं अलीगढ़ में जो है गांधी के पुतले को 30 जनवरी को गोली मारी जाती है और कहीं इस तरह का बयान दिया जाता है। लेकिन गांधी निश्चित तौर पर जो है वो ऐसे लोगों को माफ़ करने के पक्ष में थे, गांधी ऐसे लोगों को दंड देने और उन चीजों के पक्ष में नहीं थे, वो अपनी विचारधारा से ही उसका उत्तर देने के पक्ष में थे। और अगर आप चाहेंगे तो कभी लंबी बातचीत में गांधी क्या चाहते थे, गांधी के क्या सपने थे, कैसी दुनिया बनाना चाहते थे, वो ये लोग समझ ही नहीं सकते गांधी के सपने को और ना पढ़ते हैं गांधी को। तो दूसरा थॉट प्रोसेस चल रहा है जिस पर लोग चलते हुए नजर आते हैं, लेकिन माला मैम जैसे आप भी कह रही थी कि गांधी की हत्या के 71 साल भी गोडसे को पूजने जाने की कोशिश, उनकी मूर्ति बनाना, उनको स्थापित करने का प्रयास, क्या गांधी के प्रासंगिक नहीं होने का संकेत है असल में? मैं कहती हूँ कि गांधी के प्रासंगिक होने का संकेत है। एक व्यक्ति अपनी हत्या के इतने सालों बाद भी आज उसके विचार आम समाज पे इतने ज़्यादा गहराई तक धंसे हुए हैं जी, कि उनको नहीं निकाल पा रहे हैं। और गांधी में सिर्फ हिंदू और मुसलमान की बात नहीं थी, एक पूरी, जैसा आपने कहा, एक पूरी सभ्यता, एक पूरी संस्कृति, एक पूरा समाज कि उनका जो एक खाका था, अंतिम जन की बात जो करते थे, तो ये बर्दाश्त कर पाना जो बहुत ही स्वार्थी लोगों के लिए संभव नहीं होता। और अभी तो हिंसा या अहिंसा का भी सवाल है। अभी एक चर्चा ये भी चल रही है कि गोडसे हत्यारा था, आतंकवादी नहीं था। आतंकवादी और आप किसको कहेंगे? गांधी को चुप करा करके वो सबों को ये संदेश देना चाहता है कि हमारे हिसाब से चलो वरना तुम भी मारे जाओगे, इससे बड़ा आतंक और क्या हो सकता है। वो देश का, आज़ाद देश का पहला आतंकवादी था जिसने गांधी को मारा, क्योंकि गांधी को मारने की ज़रूरत क्या थी? गांधी कोई फिजिक में तो जिंदा थे नहीं, गांधी तो अपने विचारों में, अपने कर्मों में जिंदा थे। उनको मार करके, उनके शरीर को मार करके, इनफैक्ट गांधी के विचारों को और गांधी के पूरे सपने को जिंदगी मिल गई। ठीक है, माला जी कह रही हैं कि असल में आजाद भारत का पहला आतंकवादी था, लेकिन इसी स्टेटमेंट को कमल हासन ने ये बताया कि आजाद भारत का पहला हिंदू आतंकवादी था। इसके क्या मायने हो सकते हैं और प्रज्ञा ठाकुर जो कह रही हैं लगातार, उसको कैसे रिलेट की जा सकती हैं, सारी बातें समझेंगे। दोनों ही खास मेहमान लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, चर्चा लगातार जारी है और समझने की कोशिश कर रहे हैं गोडसे की भक्ति के पीछे असल मकसद है क्या। रहेगा हमारे साथ। यह अन्याय करने वालों याद रहे, मैं नौजवान हूँ, उजले भविष्य का अरमान हूँ, मैं हिंदुस्तान हूँ। युवाओं को काम, अब होगा न्याय। कांग्रेस को वोट दें। एक नाम जिसके सपने ने दिया देश को एक नया मुकाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वही मुकाम आपको दिलाएगी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी इंदौर। कम अबोर्ड एंड नर्चर योर टैलेंट टू सक्सीड इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। जॉइन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी इंदौर। फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 1-800-300-2602। तो प्रज्ञा ठाकुर की कर रहे हैं बात, उनके विवादित बयानों के मर्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं और उसके क्या पोस्ट इफेक्ट्स हो सकते हैं ये भी समझने का प्रयास है। वैसे प्रज्ञा ठाकुर के विवादित बयान के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या चुनाव आयोग प्रज्ञा ठाकुर पर कार्रवाई करेगा? संविधान चुनाव आयोग को अधिकार देता है कि अगर कोई प्रत्याशी चुनाव के दौरान संवैधानिक व्यवस्था या संविधान की भावना के अनुरूप आचरण नहीं करे तो आयोग कार्रवाई कर सकता है। राष्ट्रपिता के हत्यारे के महिमा मंडन और समर्थन के लिए चुनाव आयोग प्रज्ञा का मताधिकार छीन सकता है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि गोडसे को देशभक्त बताकर प्रज्ञा ने हिंसक तरीकों की वकालत की है जो संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। सवाल यह है कि अगर प्रज्ञा ठाकुर भोपाल से लोकसभा चुनाव जीतती हैं तो क्या वो संसद में संविधान का पालन करने की शपथ लेंगी? सवाल यहां पर यह भी है कि क्या संविधान की झूठी शपथ ली जा सकती है? क्या शपथ
खोखले शब्द मात्र हैं। सवाल बीजेपी से यह भी पूछा जाए कि क्या बीजेपी इसे मात्र निजी विचार बोलकर अपनी जिम्मेदारी से बच सकती है, अपना पल्ला झाड़ सकती है, जबकि वो लोकसभा चुनाव में बीजेपी की उम्मीदवार है और चुनाव जीतने की हालत में पार्टी की सांसद भी होंगी। तो प्रज्ञा ठाकुर के बयानों के बाद कई तरह के सवाल उठते नजर आ रहे हैं। हर सवाल के जवाब को ढूंढने की कोशिश है हमारी। मेरे साथ एक्सपर्ट पैनल में दो सीनियर जर्नलिस्ट बने हुए, उनसे बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो अरुण जी, असल में दौराने चुनाव इस तरह की बात करना क्या असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की भी एक टैक्टिस है, प्रैक्टिस है? क्या ये वही किया जा रहा है कि असल में उन बातों पे सवाल ना पूछे जाएं जिन पे लोग पूछना चाहते हैं? आप अकाउंटेबल होने से बच रहे हैं क्या? हाँ घनश्याम जी, बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। भटकाव की का प्रयास तो है ही, लेकिन मेरा एक दूसरे तरह का मानना है कि जो भी तात्कालिक मुद्दों का जो झंडा लहराया जाता है वो किसी स्थायी स्तंभ पर जो है वो लहराया जाता है, और वो स्थायी स्तंभ एक खास तरह की सोच का स्तंभ है, जो सोच लोकतंत्र में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थी। 48 में गांधी की हत्या के बाद वो सोच हमारे लोकतंत्र में जगह नहीं बना पाई थी, लेकिन 48 के बाद जो भी हमारी सत्ता रही, हम लोग रहे, हम गांधी के विचारों का वैसा प्रचार नहीं कर पाए, अपने लोगों को वैसा गांधी की प्रासंगिकता को नहीं समझा पाए, और उसकी हमारी कमी के नाते ये खास विचार जो गांधी की हत्या से जुड़ा हुआ था वो अचानक जो है वो ताकतवर होता चला गया, सत्ता में आता चला गया। ये सिर्फ प्रज्ञा ठाकुर का मामला नहीं है, सोशल मीडिया पर मध्य वर्ग के तमाम लोग जो है वो नाथूराम गोडसे को जस्टिफाई करते हुए मिल जाएंगे, और ये हमारे आपके लिए एक खास तरह के झटके की बात है। लेकिन सिर्फ गांधी पर अकेला हमला 30 जनवरी 1948 को नहीं हुआ था, उसके पहले 4 और हमले हो चुके थे, और पहला हमला उन पर जो है पुणे में उस समय हुआ जब वो पूना पैक्ट करने के बाद बाबा अंबेडकर भीमराव अंबेडकर के साथ पूना पैक्ट किया उन्होंने, और वो अछूतोधार की यात्रा पर निकले थे। करीब 3000-4000 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने की थी, पुणे में उनके काफिले पर बम फेंका गया जिसमें 2 लोग घायल हुए थे। उसके बाद पचगनी में जब वो जेल से छूटने के बाद आराम करने गए थे वहाँ भी छुरा लेकर के कोई बंदा पहुँच गया, उनको मारने का प्रयास कर रहा था। वर्धा में उनको मारने का प्रयास हुआ जहाँ वो 14 साल रहे सेवाग्राम आश्रम में, और मदन लाल पाहवा उसके पहले बम फोड़ के जा चुके थे, और उसने कहा था मदन लाल पाहवा ने कि वो फिर आएगा और आपको मारेगा जो है। तो गांधी ने कहा कोई बात नहीं है, ना समझ लोग हैं, ये लड़के हैं नौजवान, ऐसे ही गांधी कहते थे कि नौजवान लड़के समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, और ये स्थितियाँ जो है वो ऐसी हैं। लुई फिशर से एक अमेरिकी पत्रकार ने कहा था कि मुझे गांधी से मिलना है, तो लुई फिशर ने कहा पहले तो तुम मिलने से मना कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे लग रहा है कि ये व्यक्ति 2-1 महीने के भीतर ज़रूर मार दिया जाएगा, जो इस उपमहाद्वीप की स्थितियां बन गई हैं। तो गांधी की हत्या के पीछे जो पूरी सोच है उस सोच को समझना, उस सोच से लड़ना इस दौर के लिए बेहद ज़रूरी है। हमारी राजनीति अगर उसको कारपेट के नीचे डालती रहेगी, उसकी उपेक्षा करती रहेगी, तो इस तरह के सवालों से बार बार उसको रूबरू होना पड़ेगा। हिंसा अहिंसा का सवाल है, सत्य का सवाल है। तो इस वैचारिक कूड़े की सफाई जरूरी है, ना कि उसके ऊपर कारपेट बिछाने का प्रयास किया जाना चाहिए। दोनों मेरे साथ बने हुए, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। अपने दर्शकों को बता दें, मालेगांव ब्लास्ट केस में स्पेशल एनआईए कोर्ट ने 7 दिन में एक बार सभी आरोपियों को पेश होने के लिए कहा है। मालेगांव ब्लास्ट केस में भोपाल से बीजेपी की उम्मीदवार प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी हैं। प्रज्ञा ठाकुर के अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित भी मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोपी हैं। कोर्ट ने आरोपियों के पेश ना होने पर नाराजगी जाहिर की है। इस मामले की सुनवाई अब 20 मई को होगी। तो बड़ी खबर है, मालेगांव ब्लास्ट केस में स्पेशल एनआईए कोर्ट का यह आदेश है, 7 दिन में एक बार सभी आरोपी हाजिर होंगे कोर्ट में। प्रज्ञा ठाकुर मालेगांव ब्लास्ट केस के आरोपी हैं, आप जानते ही हैं, और कर्नल पुरोहित भी इसमें आरोपी हैं। 2008 में मालेगांव में ब्लास्ट हुआ था और लगातार उनको पेश होने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन पेश ना होने की वजह से अब सख्ती बढ़ती जाएगी और 7 दिन में कम से कम एक बार सभी आरोपियों को कोर्ट में हाजिर होना होगा। तो 2008 में मालेगांव में किया गया था ब्लास्ट, हमारे तमाम दर्शक जानते ही हैं, और इसी मामले में अब स्पेशल एनआईए कोर्ट ने 7 दिन में एक बार सभी आरोपियों को पेश होने के लिए कहा है। मालेगांव ब्लास्ट केस में भोपाल से बीजेपी की उम्मीदवार हैं प्रज्ञा सिंह ठाकुर। प्रज्ञा ठाकुर के अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित भी मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोपी हैं। कोर्ट ने आरोपियों के पेश ना होने पर नाराजगी जाहिर की है और इस मामले की अब अगली सुनवाई 20 मई को होगी। तो 2008 का मालेगांव ब्लास्ट केस जिसमें आरोपी हैं प्रज्ञा ठाकुर,
और कर्नल पुरोहित का नाम भी उसमें शामिल है। अब हफ्ते में एक बार में कोर्ट पेश होना जरूरी होगा। अपडेट के साथ, ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी गोपाल कृष्ण जुड़ रहे हैं। गोपाल, डिटेल के साथ पूरी खबर बताइए, क्या कुछ कहा गया? देखिए, आज एनआईए स्पेशल कोर्ट में इस मामले की सुनवाई थी और एनआईए कोर्ट ने एक बड़ा फैसला देते हुए कहा है कि इस मामले में मालेगांव ब्लास्ट से संबंधित जितने भी आरोपी हैं वो सभी सप्ताह में यानी कि 7 दिन में एक बार जरूर अदालत के समक्ष पेश होंगे, जबकि इससे पहले यह इस तरीके की शर्तें अदालत ने नहीं लगाई थी, लेकिन अब अदालत ने इस तरीके की शर्तें लगाई है तो अब 7 दिन के भीतर एक दिन जरूर हाजिर होना पड़ेगा और कोर्ट 20 मई को इस मामले में अगला सुनवाई करेगा। तो क्या ये माना जाए गोपाल, इससे पहले भी कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया जिसकी नाफरमानी हुई, उसके बाद ये सख्त लहजा अख्तियार किया गया? नहीं, इससे पहले नहीं कोर्ट ने आदेश दिया था, लेकिन जो पीड़ित हैं उनकी तरफ से एक अर्जी दायर की गई थी और कहा गया था कि जो एनआईए जो इस मामले से संबंधित जो आरोपी हैं, कथित आरोपी, वो खुलेआम घूम रहे हैं और तरह तरह के अलग अलग बयान दे रहे हैं, लिहाजा कोर्ट उन पर लगाम लगाए, जिस पर सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने आदेश दिया। ठीक, शुक्रिया आपका गोपाल तमाम बातचीत के लिए। तो असल में गोडसे की भक्ति के पीछे का मकसद क्या है, ये समझने का हमारा प्रयास था। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया माला मैम आपका, अरुण जी आपका, समय इतना ही, चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पा रहे इस खास पेशकश में, इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। हमारी मेहनत पे वार कर...